तो गाइस फ्रैंकलिन का कोई प्लान नहीं था GTA 5 के अंदर और वीडियोस बनाने में, लेकिन रिसेंटली आप सबको पता होगा कि GTA 6 का डेटा लीक हुआ है और जिसकी वजह से फ्रैंकलिन बहुत ज़्यादा गुस्से में है और अब वो एक हैकर ग्रुप को ढूंढ रहा है जो इस लीक के पीछे रेस्पॉन्सिबल है। और इसको फ्रैंकलिन को फ़ोन भी आए हैं एपिक गेम्स की तरफ से बहुत लोगों के। और चलिए अब इसके पास एक लोकेशन आई है। तो गाइस फ्रैंकलिन का कोई मूड नहीं था GTA 5 के अंदर गुंडागर्दी करने का। GTA 5 को आए काफ़ी साल हो चुके हैं, लेकिन GTA 6 का डेटा लीक होने की वजह से फ्रैंकलिन अब बहुत ज़्यादा गुस्से में है। जैसा कि आप देख रहे हैं, फ्रैंकलिन माफ़ नहीं करेगा उनको। मैं बोल रहा था इसको कि फ्रैंकलिन माफ़ कर दे, लेकिन ये बिल्कुल मना कर रहा है। तो जैसा कि आपने देखा, फ्रैंकलिन मना कर रहा है और बोल रहा है चलो अब मेरे से और नहीं रुका जा रहा है। तो गाइस उनकी लोकेशन यहीं कहीं आसपास है, जैसा कि सूत्रों के मुताबिक इसको पता चला है अपने एक खबरी से जो सीक्रेटली फ्रैंकलिन को अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देता है। और अभी फ्रैंकलिन जा रहा है कहीं कपड़े चेंज करने। ये बोल रहा है कि मैं हैकर से ऐसे जाऊंगा कि जैसे मेरे को उनकी ज़रूरत है और बाद में फिर उनको पकड़ के मैं मज़ा चखाऊंगा। तो गाइस फ्रैंकलिन ने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं जिससे कि वो अब हैकर की तरह लग रहा है। वो बोलेगा उनको कि मैं भी एक हैकर हूँ और मुझे भी अपनी प्राइवेसी चाहिए जैसे आप लोगों को चाहिए, और मुझे तुमसे एक काम करवाना है। वो कोई झूठ मूठ का नाम लेगा कि जैसा कि आप सबको पता है कि GTA 5 एपिक गेम्स के द्वारा ख़रीद लिया जा चुका है। तो फ्रैंकलिन पहुंच गया है लोकेशन पे, जो लोकेशन लेस्टर ने इसको बताई थी। और इसने जो जो बोला है लेस्टर ने फ्रैंकलिन को, वो वैसे ही करना है। उसने बोला है कि तुम्हें एपिक गेम्स ने भेजा है और रिसेंटली जो GTA 5 का लीक है उसके बारे में पता करना है, GTA 6 के लीक के बारे में। उसको बोला गया था कि इधर कहीं दीवार के अंदर से रास्ता जाएगा। तो दीवार के अंदर से तो इधर ही लग रहा है, सामने से ही हो सकता है। ये रहा वो भाई, इतने सारे हैकर, उनका तो पूरा सिस्टम है यहाँ पे। ये कैसे चिल कर रहे हैं, कोई सिगरेट पी रहा है, ये डांस कर रहा है। हेलो अंकल सुनिए। अरे अंकल आप तो एकदम मूड ही चेंज कर गए। सुनिए ज़रा, आप सब सब लोगों को क्यों बुला रहे हो एकदम से? तो देखिए जी, बात कुछ ऐसे है, हमारे एपिक गेम्स के सर्वर्स भी हैक होने वाले हैं और हमें आपके दो बंदे चाहिए इंस्टेंट। तो मैं चाहता हूँ कि अभी मेरे को भेजा जाए, और मेरे को शहर के DC साहब ने भेजा है। जैसा कि आपको पता है मैं एक अंडर कवर कॉप हूँ और मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। तो आप मेरे को अपने साथ आपके दो बंदे भेज दीजिए जल्दी से। ठीक है, मिलते हैं फिर, आप अपने बंदे भेज दीजिए हमारे साथ। जल्दी से आ जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है, उनको भी बुला लीजिए। हेलो आ जाइए, आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? Crazy. क्रेजी नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है भाई। Really? यस आ जाओ। ये तुम्हारा कैसा ऑफिस है, यहाँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जल्दी आओ, मेरी रूबिकॉन में बैठो। मेरे को लग रहा है तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा, जल्दी आओ ना। भी जाता हूँ मैं, तुम करते रहोगे, मुझे हाई कमांड से मिलवा दो, हाई कमांड से मिलवा दो। जल्दी बैठो भाई, Nobody take my shit, अबे अभी ये लड़ाई करेंगे। इसी चीज़ की देरी थी, जल्दी बैठो। तो अभी इनकी कंप्लेंट करेंगे हम एपिक गेम्स को। और जैसा कि ये चंपू हमारे साथ जो बैठा है एक हैकर, हमने सक्सेसफुली इसको तो उठा लिया है लगता है। मुझे वो मैडम थी, उनको समझ आ गया कि ये कोई हैकर नहीं है, ये जीप रैंगलर लेके आया है, ये कोई हैकर नहीं है, ये कोई गलत आदमी है। और हो सकता है उसको फ्रैंकलिन के पास्ट के बारे में भी कुछ पता हो, GTA 5 में जो इसने ट्रेवर और माइकल के साथ किया था उसके बाद। और अभी ऑलमोस्ट हम लोकेशन पे पहुंच गए हैं जहां हम इसको बंदी बनाने वाले हैं, और एपिक गेम्स के कुछ लोग भी आने वाले हैं।
मैं सही बताऊं तो मेरे को लगता नहीं है कि अब तक इस चंपू के समझ में आई है कि ये कोई हैकर के साथ नहीं बैठा है गाड़ी में, ये माफिया लोग के आदमी हैं जी, जिनसे GTA 5 पूरा चलता है। तो अभी फ्रैंकलिन इसको इस पार्किंग में लेके जा रहा है रेलवे के साइड में, यहाँ कुछ पूछताछ करते हैं इससे, देखते हैं ये कुछ बोलता है तो नहीं। आ जाइए साहब, बाहर आ जाइए गाड़ी से, आपका सफ़र हो गया है पूरा। आ जा बाहर आ जा, मेरे को तू सब सच सच बता देगा। एक सेकंड में कपड़े बदल के आता हूँ, भागो। ज़्यादा मत बोल, अभी आया, एक सेकंड में, हिलना भी नहीं है तेरे को। तो गाइस फ्रैंकलिन ने अपने कपड़े कर लिए हैं वापस से चेंज, और ये आ गया है अपने कैदी के पास, इससे अभी करेंगे बातचीत। मदरफक। तो भाई अब हमें ये बता कि तुम्हारा हेड कौन है, तुम्हें ये सारा काम कौन देता है? फ़ोन पे पूछेगा तो फ़ोन पे पूछ के बता दे, जल्दी जल्दी बात कर। टाइम ख़त्म हो गया तेरा, फ़ोन काट दे, फ़ोन काट दे, फ़ोन काट दे। तो उन्होंने क्या क्या बताया मेरे को, अब ये बता वो क्या बोल रहे हैं तेरे को, वो तेरे से क्या पूछना चाहते हैं? क्या उन्हें पता चल गया है कि मैं कोई हैकर वैकर नहीं हूँ, मैं एपिक गेम्स से हूँ, तो जो तुमने Hey, जी you're टी ए सिक्स genetic से जो scary लीक किया gone है wrong, डेटा उसके dog. बारे में पता करना है? ये ऐसे बात नहीं करने वाला, मेरे को लग नहीं रहा कि ये ऐसे बात करेगा। अब तुम मुझे मजबूर कर रहे हो जोर जबरदस्ती करने के लिए, कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं? इधर आ जा, थोड़ा साइड में आ जा। तो अब बात कुछ ऐसे है, Man, you suck. सच सच बता दे मेरे को कि तुम किसके लिए काम करते हो, और GTA 6 की जो डेटा है वो तुमने किस वजह से चुराया था, सच सच बताओ मेरे को। अबे अबे, ये मारेगा मेरे को, ये फुद्दू फुद्दू, तुम ऐसे नहीं बोलने वाले मेरे को लगता है, तुम ऐसे मुंह नहीं खोलने वाले, तुम्हें मजा चखाना पड़ेगा। If people say I'm a disgrace to society, अब बोलेगा फालतू, बोलेगा फालतू, तेरे को तो बंदी बना लेंगे। बैठ जा, नीचे बैठ जा नील, ऐसे नील, घुटने टिका दे, टिका दे अपने घुटने। हाँ अब सही है, तेरे को यहाँ से हिलना भी नहीं है। क्या कहा मैंने, तेरे को यहाँ से अगर तू हिला तो तेरी ऐसी कुटाई लगाऊंगा, तेरे को ऐसी कुटाई लगाऊंगा, तेरे को यहीं बैठ तू, मैं अभी आता हूँ तेरे साथियों को fool. लेके, मैं तेरे को बोल रहा हूँ, तू फिर से खड़ा हो गया, बैठ जल्दी, अब हिलना नहीं है तेरे को यहाँ से। अगर तू हिल गया, अगर तू यहाँ से हिल गया तो तू इसका अंजाम नहीं समझेगा, क्या इसका अंजाम होएगा तेरे को बता रहा हूँ मैं आखिरी बार, ठीक है? अभी मैं जाता हूँ, और मैं ये गया और ये आया, तू यहाँ से हिला तो मैं तेरे को ऐसा मजा चखाऊंगा। तो गाइस ये तो कुछ बोलने वाला लगता नहीं है, मेरे को लगता नहीं है कि इसको कुछ पता है। तो अभी हमें एपिक गेम्स के फ़ोन आया है फ्रैंकलिन को, वहाँ से कोई बंदा आया है एपिक गेम्स का, अभी उसको कलेक्ट करने के लिए जाना है हमें, और उसके साथ मिलके इससे कुछ निकलवाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।